हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। गाइस, आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए रहने वाला है। अगर आपका आने वाले दिनों के अंदर एक मिड साइज एसयूवी लेने का प्लान है तो आपको बताने वाला हूं मैं ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ मारुति विटारा ब्रीजा के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना, इस गाड़ी को पहली बार लॉन्च किया था मारुति वालों ने 2016 में, यानी कि 2016 में। इसके बाद इस गाड़ी को मिड लाइफ अपग्रेड मिला 2020 के अंदर, जब इस गाड़ी को पहली बार शोकेस किया था अपडेटेड मॉडल को मारुति वालों ने आपके नोएडा के ऑटो एक्सपो में। उसके बाद आपका लॉकडाउन लग गया एंड तब से लेके अभी तक इन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा आने वाले विटारा ब्रीजा के मॉडल के बारे में, बारीक से बारीक जानकारी आपको बताऊंगा जो भी कुछ अभी तक ऑफिशियली अनऑफिशियली रेवल हो चुका है। बट इससे पहले मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो पहली बार यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स पे आए हैं, गाइस विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले प्लीज मेक श्योर टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इन केस यू आर मिसिंग टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, आप कुछ ना कुछ ऐसे ही डेली अपडेट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के मिस करते जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी इतना कंफर्म हो चुका है कि मारुति वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ मारुति विटारा ब्रीजा के ऊपर। इस गाड़ी के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी इसका ऑफिशियल स्क्रैच रिलीज नहीं हुआ है, कोई स्पाई इमेजेस किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। कोई आपको दिखाता है तो केवल वो दिखावा ही होगा, अपना उसका इमेजिनरी पिक्चर बनाया हुआ होगा, बट ऑफिशियली अनऑफिशियली कोई पिक्चर अभी तक रेवल नहीं हुआ है। मैं बात करूं गाड़ी के डिज़ाइन वगैरह के बारे में, तो इतना कन्फर्म्ड है कि काफ़ी सालों के बाद फाइनली मारुति वाले इस गाड़ी का जो कॉस्मेटिक चेंज है वो करने वाले हैं। आप अभी उम्मीद कर सकते हो कि आपको मिलेंगे नए हेडलैम्प्स, नए टेल लैम्प्स, नए अलॉय व्हील एंड कुछ डिज़ाइन में चेंजेस आउटर बॉडी के ऊपर। इसके अलावा इनसाइड द कैबिन इतना अभी कन्फर्म हो चुका है कि आपको यहाँ पे एक ऑल न्यू इन्फोटेनमेंट मिलने वाला है एंड आप उम्मीद कर सकते हो लॉट ऑफ कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, जिसकी हेल्प से अपने फ़ोन की एप्लीकेशन की मदद से आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाओगे। जैसे आजकल आपके किया सेल्टोस वगैरह के अंदर आप रिमोट से गाड़ी को स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, विंडो को रोल ओवर रोल डाउन कर सकते हो, तो ऐसे कुछ फीचर्स की उम्मीद आप आने वाले दिनों के अंदर आपके नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रीजा मॉडल के अंदर कर सकते हो। साथ ही में अभी आपको यहाँ पे मिलेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन। बाय द वे, मारुति की गाड़ियाँ जो हैं वो कम प्राइस के अंदर अच्छे इकोनॉमी के लिए मानी जाती हैं, बट अगर हम बात करें फीचर्स की तो इतना कुछ खास फीचर्स नहीं देता मारुति अपनी गाड़ियों के अंदर। बट अभी अनलाइक दो जो उनका पुराना ट्रेंड चलता आ रहा था, अभी आप उम्मीद कर सकते हो विथ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं कॉम्पिटिशन के अंदर इसके पास, लाइक आपकी टाटा नेक्सन हो गई, आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट हो गई, अभी हाल ही में लॉन्च किया सोनट हो चुकी। तो जब क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मारुति वालों ने अपना ट्राई किया है कि वो लोग एक नई गाड़ी को लॉन्च कर दें, विटारा ब्रीजा का नया मॉडल नेक्स्ट जनरेशन वाला, एंड आपको कुछ ये लोग एक्स्ट्रा फीचर्स दे दें ताकि इनका जो बना बनाया कस्टमर बेस है वो ना टूटे। इससे पहले 2020 में जब आपके यहाँ पे ये अप्रैल मंथ के अंदर आ गए थे नॉर्म्स BS6 वाले, तो BS6 नॉर्म्स आने के बाद इन लोगों ने अपना 1.3 लीटर का डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया। आज की एट के अंदर आपको K सीरीज का मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। एंड अभी यहाँ पे आपको अंडर द बोनट आपका जब ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हो जाएगा दोबारा आपको सेम ही इंजन मिलने वाला है, बट विथ डिफरेंट ट्यूनिंग, ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज की जाएगी। इंजन आपका 1.5 लीटर का सेम रहेगा, ये सेम वही इंजन है जो आपको आज की डेट में नए एस क्रॉस मॉडल के अंदर मिलता है या फिर आपको मिलता है आपके टोयोटा अर्बन क्रूजर एंड आपके मारुति सुजुकी सियाज के अंदर। बाय द वे, सियाज का एक रीबैच वर्जन टोयोटा लॉन्च करने वाला है जो कि रहेगा आपका टोयोटा बेल्टा के नाम से। तो इन सारी गाड़ियों के अंदर आपको सेम ही 1.5 लीटर का इंजन मिलता है आने वाले दिनों के अंदर। इतना कन्फर्म्ड है कि मारुति वाले एक नया मॉडल लाने वाले हैं मारुति विटारा ब्रीजा का, जिसके अंदर आपको मिलेगा बड़े साइज का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, लॉट ऑफ डिजाइन चेंजेस लाइक आपका LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स वगैरह, अलॉय व्हील्स ऑल ब्लैक मिलने की उम्मीद है गाड़ी के अंदर अपने को, एंड छोटे छोटे से और फीचर्स लाइक रियर में आपको AC वेंट वगैरह मिल जाएंगे, ABS EBD वगैरह रहेगा, एंड आपके BS6 नॉर्म्स आने के बाद जो भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GOI ने आपके सेफ्टी फीचर
फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं वो सारे कुछ आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, लाइक ड्यूअल एयरबैग मिल जाएगा, सीट बेल्ट अलर्ट मिल जाएगा, ओवर स्पीड अलर्ट मिल जाएगा एंड आपको रियर पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाएगा। जैसे जैसे आप टॉप मॉडल की तरफ जाते जाओगे आपको गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाने वाले हैं। एक खास बात आपको बताना भूल गया, अभी आपको आने वाले दिनों के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आपका मारुति विटारा ब्रिजा का मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सनरूफ देने वाले हैं मारुति वाले अपने मारुति विटारा ब्रिजा मॉडल के अंदर। अभी आप बोलोगे आलोक की लॉन्च कब होगी, तो देखिए लॉन्चिंग अभी कंफर्म नहीं है, मारुति वाले काम कर रहे हैं युद्ध स्तर पे, मैं बोलूँगा क्योंकि अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे व्हीकल्स इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। जब 2016 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तब कुछ खास कॉम्पिटिशन नहीं था, फोर्ड इको स्पोर्ट वगैरह ही थी उस टाइम पर, बट अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है एंड मारुति वालों ने अपनी गाड़ी के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। 2020 में इसको मिड लाइफ अपग्रेड दिया बट वो अभी सफिशियंट नहीं है, लोगों को नया डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए मारुति वाले काम कर रहे हैं। आप मान के चलो बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर ही आपको एक गाड़ी मिलने की उम्मीद है। बाकी आपको इस वीडियो का सोर्स पता करना हो कि किस बेसिस पे आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के www.undiautomobiles.com पे जाकर के हमारे आर्टिकल्स पे वीडियो सोर्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है एंड काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म की हुई है, तो आपको यहाँ पे रिलायबिलिटी को लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल वो सही है। तो अभी आपको मोटो मोटी चीज़ें मैंने दो तीन बता दी, आपको अगर मैं इनकैप्सुलेट यानी कि समराइज करके बोलूँ तो मारुति विटारा ब्रिजा का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आने वाला है, उस पर काम चल रहा है, लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, आप उसको बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर मान के चलो। प्राइस के बारे में कंफर्म नहीं है, गाड़ी में कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं तो अभी आपको यहाँ पे गाड़ी में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस, लाइक आपका हेडलैम्प वगैरह हो गया, टेल लाइट्स हो गई, अलॉय व्हील्स हो गए एंड कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स। इसके अलावा डैशबोर्ड अभी चेंज होने की उम्मीद है बिकॉज जो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड है वो काफ़ी पुराना सा लगता है एंड उसमें कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक इन्होंने दिया नहीं हुआ, तो डैशबोर्ड को ये लोग कुछ ड्यूअल टोन वगैरह में सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आपको दे सकते हैं। साथ में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने की उम्मीद है। इन टर्म्स ऑफ फर्दर फीचर्स आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाने वाला है। साथ में इंजन आपका सेम ही रहेगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के सीरीज वाला एंड इसके अंदर अभी आपको आगे जा करके ये लोग, एक खास बात और आपको मैंने स्किप कर दिया बताना कि ये लोग अभी है क्या कि मारुति वाले क्लीनर कार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लीनर कार इन द सेंस जो कम पॉल्यूशन फैलाएं, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो इमीडिएट सॉल्यूशन लगता है मारुति वालों को वो ये है कि वो लोग सीएनजी वाली गाड़ियों को और ज़्यादा बढ़ावा दे। तो अभी बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि आलोक भाई क्या मैं अपनी कार में सीएनजी किट लगा सकता हूँ, जैसे कि अभी आपको बहुत सारे व्हीकल्स में देता भी है मारुति, लाइक आपके वैगन आर मॉडल के अंदर। तो एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनको बैटरी एवरेज चाहिए, आपको यहाँ पे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको मारुति विटारा ब्रिजा के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर सीएनजी किट भी मिलने की उम्मीद है, यानी कि यूजर्स के पास ऑप्शन रहेगा, वो लोग सीएनजी किट वाला मॉडल भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, सारी कुछ आपको मैंने बता दी। अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन मारुति विटारा ब्रिजा मॉडल का लेने का प्लान था तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट कर लो एंड आप चाहो तो इस गाड़ी को ले सकते हो। गाइज एक खास बात आपको बताना भूल गया, आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल, है क्या कि हम लोग वीडियो बनाने के अलावा आर्टिकल्स लिखते हैं, पैरेलली हमारा पॉडकास्ट चैनल भी है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे आपको वहाँ पे एक पॉडकास्ट का सेपरेट सेक्शन दिखने को मिलेगा। होता क्या है, जो भी कुछ हमने आर्टिकल लिखे आप उनको सुन भी सकते हो वाइल रनिंग, वाइल डूइंग जिम, आपका वीडियो देखने का मन नहीं था, आपको टाइम नहीं मिला, घर में बच्चे वगैरह हैं वो फ़ोन छीनते रहते हैं आपका, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप ईयरफोन लगा करके हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हो। एंड आई एम एश्योरिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स कि आपको हमारे पॉडकास्ट जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं, बिकॉज हाल ही में वेल्प मैगजीन जो कि आपकी एक न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है उसने हमारे पॉडकास्ट चैनल को हाईलाइट किया है एज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल पॉडकास्ट चैनल ऑफ ईयर 2021, यानी कि 2021 में जो पॉडकास्ट चैनल वगैरह लॉन्च हुए उसमें से चैनल हमारा भी है जिसको उन्होंने माना कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लोगों को कॉन्टेंट देता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह, आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब के बटन पे टिक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।